क्वेश्चन नंबर 16 है कि अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy। देखो अभी तक हम ज़्यादातर क्वेश्चन किए हमने dy अपॉन dx वाला, ठीक है। एक ये क्वेश्चन किया था हमने dx अपॉन dy वाला, तो बोला अगर इस फॉर्म में आता है dx अपॉन dy और h dx x अपॉन y, यानी x अपॉन y की फॉर्म में अगर आता है, कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन, यानी हम इन चारों में से किसको पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y अपॉन dx तो उसका करते थे जिसमें dy अपॉन dx यानी x y अपॉन x आता था, ठीक है। और v मतलब न्यू हमें, तो क्या करेंगे हम, हमें क्या चाहिए था उस केस में, हम देखो इस केस में क्या करते, पहले वाले केस में आता हमारे पास dy वाई अपॉन डी एक्स यानी y अपॉन x की फॉर्म होती थी, उसमें हम क्या करते y इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे। अब इसमें क्या है, हमारा dx अपॉन dy की फॉर्म है यानी x अपॉन y वाली, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करते वहाँ पे y पुट करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम x पुट करेंगे vx, x vx, यानी कौन सा आंसर होगा c, तो इसका आंसर होगा 16 का c पार्ट, ठीक है। 17 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कौन होमोजीनियस है। देखो होमोजीनियस का तो मतलब ये होगा कि उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, जैसे x 1 है 1 है यानी 2 हो गई, यहाँ 3 है यानी ये तो होगा ही नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है ये भी नहीं होगा, देखो कि यहाँ 2 हो गया यहाँ 2 हो गया 3 है, मतलब सेम नहीं आ रहा, यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ भी सेम लग रहा है, यानी a और d में से एक होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करके करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। तो मुझे पता आंसर d है इसका, तो d को सॉल्व करके बताता हूँ मैं। तो क्वेश्चन d पहले नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का d पार्ट है, तो उसको लिखा हमने वाई स्क्वायर, आपको एक एक करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हमने उतार दिया। अब क्या करना है इसको, देखो पहले तो डी वाई डी एस की फॉर्म में लाते हैं, तो डी वाई ऐसे ही रहेगा ये वाला टर्म, ये पूरा वहाँ जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और डी एक्स भी आ जाएगा वहाँ पर, ये वाली को सही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये पूरी टर्म वहाँ जाएगी तो माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई पर डी एक्स चाहिए, तो डी वाई ऐसे ही रहने दो, डी एक्स को नीचे ले आओ, तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है, इस पूरे की टर्म को नीचे ले जाओ, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ऐसा आ गया। अब ये सबसे डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये सॉल्व होना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो यानी हमको डी वाई पर डी एक्स नहीं करना पड़ेगा, इसको हम क्या करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी हमें इसको यहाँ रखना पड़ेगा वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसको वहाँ भेजना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब डी एक्स यहाँ पे है, इस डी वाई को नीचे जाएंगे तो डी वाई हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर नीचे आएगा, सबके नीचे आ जाएगा डिवाइड होके वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो अब कुछ ठीक है, अब सॉल्व जैसा हो रहा है कुछ, तो कैसे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि एक्स अपन वाई इस फॉर्म में आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा था, उसमें हम अलग स्कोर नहीं कर सकते थे, तो इसमें क्या एक्स अपन वाई, तो माइनस सेम हो गया एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ से एक वाई गया ये एक्स अपॉन वाई प्लस ये वाई से वाई कट गया प्लस वन, तो ये बन गया हमारा एक्स अपॉन वाई, यानी ये होमोजीनियस है, तो इसको लिखते हैं इट इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, यानी इसका आंसर क्या होगा डी पार्ट होगा, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।